नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK LCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन है अर्थात घंटी है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान देंगे, यह क्लास लाइव चल रहा है इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जुड़ जाए। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो उसमें जरूर दें और अंत में कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को कितने प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम था। तो चलिए देखते हैं। और यह क्लास आप लोगों को संस्कृत से है और संस्कृत का पार्ट थ्री है जिसमें हम लोग आलस कथा से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं दोस्तों, कभी इधर से तो कभी इधर से नहीं, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 और यह आलस कथा से है। तो क्वेश्चन 1 कहता है दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। सभी लोग उत्तर देंगे, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। आलस कथा से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। सभी लोग उत्तर देंगे दोस्तों, आप लोग का अच्छा प्रदर्शन रहा हर एक क्लास में, चाहते हैं कि उसी तरह से प्रदर्शन आज भी रहे। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ गया और सही भी है। तो याद रखेंगे मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो विद्यापति, याद रखेंगे विद्यापति, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलस कथा पाठ कहां से संकलित है। आलस कथा पाठ कहां से संकलित है, उत्तर देंगे सभी लोग, क्या अग्नि पुराण से संकलित है या पुरुष परीक्षा से या रामायण या महाभारत, किससे संकलित किया गया है आलस कथा पाठ। सभी लोग उत्तर देंगे, प्रयास करें, गलती होगा कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा, याद रखेंगे पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिथिला का मंत्री कौन था। सभी लोग उत्तर देंगे कि मिथिला का मंत्री कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मिथिला का मंत्री कौन था, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर, कौन, वीरेश्वर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, क्या मनुष्य को धन नष्ट कर देता है या धर्म नष्ट कर देता है या आलस या कोई नहीं। सही उत्तर देंगे इस प्रश्न का और सभी लोग देंगे कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे आलस है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसलिए कभी भी मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको भूख लग गई है जबरदस्त फिर भी कुछ नहीं कर रहे तो एक कैसा व्यक्ति हो सकता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, क्या आलसी या निर्बल या सच्चरित्र या निर्धन, कौन है जो भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है। सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही रोचक कथा है आलस कथा, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। चलिए बहुत बढ़िया, तो आलसी लोग भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, निर्बल हो सच्चरित्र हो या निर्धन, ये सभी कुछ ना कुछ करके अपना पेट को भरते हैं, मगर आलसी लोग
भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। जो जाने दोस्तों अभी देखे थे कि मंत्री का क्या नाम था, तो वीरेश्वर, और यह वीरेश्वर नाम का मंत्री है जो कहाँ रहता था। सभी लोग उत्तर देंगे और सही उत्तर होगा दोस्तों, आप लोगों का हम पूरी आशा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। कहाँ दोस्तों? मिथिला में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए लाइव क्लास आती है, इसलिए प्रतिदिन लाइव क्लास से जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर चाहते हैं प्रतिदिन के लाइव क्लास का पीडीएफ पाना, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, उसमें प्रतिदिन के लाइव क्लास का पीडीएफ मिल जाएंगे। और ध्यान देंगे मैट्रिक एवं इंटर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे, इसलिए जरूर जुड़े और दोस्तों को भी जुड़वाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों, जो आलसी व्यक्ति थे दोस्तों, उनको कौन अन्न अर्थात अनाज और वस्त्र अर्थात कपड़े देते थे। कौन थे जो आलसियों को अनाज और वस्त्र देते थे? सभी लोग उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, और यह संस्कृत का पाठ 3 देख रहे हैं, आलस कथा से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सभी लोग देंगे उत्तर इस प्रश्न का कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे वीरेश्वर, वीरेश्वर महोदय थे जो आलसियों को अन्न और क्या देते थे? वस्त्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलसी पुरुष कितने थे? इस कथा में आलसी पुरुष कितने थे? अगर इस कथा को, इस कहानी को पढ़े दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही सही उत्तर देंगे आप लोग कि आलसी पुरुष कितने थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी उत्तर आया दोस्तों। तो याद रखेंगे आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। इस कहानी में आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें, कुछ ही लोग दे रहे हैं, सभी लोग देंगे, जितने लोग क्लास करें सभी लोग उत्तर देंगे। गलती होगा कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोग को देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगातार गलती है तो वो आंसर नहीं देते हैं। आप प्रयास करें, कोई बात नहीं, प्रयास तो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपको बढ़िया आएगा। अगर आप प्रैक्टिस बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अभी से ही प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? क्या अर्थ का, धर्म का, या आलस का, या कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे और ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी पूछने की क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, ये तो सभी लोग बता सकते थे कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि कौन था? सभी लोग उत्तर देंगे कि मैथिल कवि कौन था। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से उत्तर देते रहे और प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़े। तो याद रखेंगे मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि विद्यापति जी थे। कौन थे? विद्यापति। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? जो आलस कथा हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे, इस यह कथा किस प्रकार की कथा है? क्या व्यंग्यात्मक है, या हसात्मक है, या करुणिक कथा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कैसी कथा है, किस प्रकार की कथा आलस कथा है? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं? जो आलस कथा यह पाठ है, पाठ 3, यह इसके लेखक कौन है? सभी लोग उत्तर देंगे, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट अर्थात हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी, ये सभी विषय के, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। और याद ही रखेंगे कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, ये सभी क्वेश्चन जरूर याद रखें। तो याद रखेंगे आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे? तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आलस कथा में आगे आगे क्यों लगाई गई, आलस सॉरी दोस्तों आलस कथा नहीं आलस सला, आलस सला मतलब जहां आलसी लोग थे, जैसे पाठशाला होता है दोस्तों तो रहने आवास होता है, तो उसी तरह से आलस सला में आग क्यों लगाई गई, क्या जारे के कारण लगाई गई, आलसियों की परीक्षा के लिए, या मच्छर के कारण, या बिना किसी कारण से, किस कारण से आलस सला में आग लगाई गई थी, सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों जो आलस सला में आग लगाई गई थी वह आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी कि क्या आलसी लोग उठते हैं या नहीं अपने बचाव के लिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलस कथा पाठ में, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, क्या मानव गुण का वर्णन किया गया है, पशु गुण का, या देवता गुण का, या उपरोक्त में से किसी गुण का, नहीं सभी लोग उत्तर देंगे और सही उत्तर देंगे कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का प्रयास अच्छा है, इस तरह से सभी लोग उत्तर देंगे, तो याद रखेंगे आलस कथा पाठ में मानव गुण का वर्णन किया गया है, किस गुण का, मानव गुण का, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गरीबों और अनाथों, याद रखेंगे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, कौन थे जो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे, सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वीरेश्वर महोदय जी भोजन कराते थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, क्या धूर्तों की, या पातितों की, या वाचलों की, या आलसियों की, किसकी गति नहीं है कारुणिक के बिना। तो हम लोग दोस्तों आलस कथा पढ़ रहे हैं और सही बात होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आलसियों से ही रिलेटेड होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया है, सही क्वेश्चन उत्तर आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, तो आलसियों, आलसियों की गति नहीं होगी किसके बिना, तो कारुणिक के बिना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है आलस शाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, आलस शाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, आलस शाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे, चलिए धूर्त लोग, आलसी नहीं धूर्त भाग गए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे आलस शाला में लगी आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए थे। तो हम लोग आज पाठ थ्री आलस कथा से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें, इसी तरह से प्रतिदिन मैट्रिक एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव क्लास के रूप में देखते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।